अपराधियों पर कार्रवाई करने की दिशा में काम कर रही यूपी के सीतापुर की पुलिस को कामयाबी मिली है, लेकिन इस घटना को दर्ज करने में पुलिस ने धाराओं को लेकर खेल जरूर किया था। जिस अंदाज में वारदात हुई थी वो लूट की श्रेणी में आती, लेकिन पुलिस ने मामले में चोरी में दर्ज कर घटना की गंभीरता को दबाने की कोशिश की थी। हालांकि वारदात को एक सप्ताह बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल रवाना कर दिया। इस खुलासे के बाद हरगांव पुलिस ने भी राहत की सांस ली। आइए आपको पूरे मामले से रूबरू कराते हैं। दरअसल 29 जनवरी को हरगांव मिल के पास बदमाशों ने चालक व अन्य लोगों को बातचीत कर भरोसे में लिया। इसके बाद शराब में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश करने के बाद गन्ना लदी ट्रॉली ट्रैक्टर लूट ली। इस वारदात ने पुलिस के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि यह घटना हरगांव थाने से कुछ दूरी पर हुई थी। फिलहाल हरगांव पुलिस ने मामले में धाराओं का खेल करते हुए चोरी का मामला दर्ज कर घटना की गंभीरता को कम करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन खुलासे की कोशिशों में जुटी थी। पुलिस की माने तो इस बीच सूचना मिलने पर हरगांव पुलिस ने जहांगीराबाद पुलिया के पास दबिश देकर सीतापुर के संदरा इलाके के आमाघाट निवासी विपुल पांडे, हरगांव इलाके के मुमताज नगर निवासी शहादत, हरगांव के पिपरा निवासी शालिम को गिरफ्तार किया है। तीनों की निशानदेही पर लूटी गई ट्रैक्टर ट्रॉली में भी बरामद हो गई। हरगांव पुलिस ने मामले में तीनों बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तीनों जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंच चुके हैं। इस खुलासे में स्वाट टीम के प्रभारी सतेंद्र विक्रम सिंह व उनकी टीम समेत हरगांव थाने के दरोगा प्रदीप पांडे, मान सिंह पाल आदि शामिल रहे। राजफाश को लेकर सीओ सदर राजू कुमार साव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुना देते हैं। अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण एवं कार्रवाई के क्रम में आज जनपद सीतापुर के थाना हरगांव एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम के द्वारा आज सुबह तीन अभियुक्तों को मैं ट्रैक्टर ट्राली और उनके पास से अवैध असलाह सहित उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त में पहला विपुल पांडे जो कि थाना संदना का रहने वाला है, दूसरा शहादत अली जो थाना हरगांव मुमताज नगर का रहने वाला है, तीसरा सालिम खां ये हरगांव का रहने वाला है। पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि हरगांव चीनी मिल में यार्ड में खड़ी ट्रैक्टर ट्राली को 29 जनवरी पिछले महीने 29 जनवरी को ही इन्होंने वादी मुकदमा को स्वयं को किसान बताकर उसे विश्वास पे लिया और उसने अत्यधिक मात्रा में शराब पिलाई। जब वो शराब पीकर ज़्यादा नशे में हो गया तो इन्होंने ट्रैक्टर ट्राली को बेचने के उद्देश्य से उस ट्रैक्टर ट्राली को वहाँ से लेकर भाग गए। सूचना पर पुलिस पहुँची, थाना हरगांव में मुकदमा पंजीकृत हुआ और छानबीन और कार्रवाई के क्रम में आज सुबह अभियुक्तों को मैं ट्रैक्टर ट्राली और अवैध असले के साथ गिरफ्तार किया गया। इसमें यह भी बताना है कि जो इसमें जो मुख्य अभियुक्त विपुल पांडे है यह काफ़ी शातिर किस्म का है, पूर्व में भी कई मुकदमों में जेल जा चुका है। इसका मॉडस ऑपरेंडी यह ऐसे मामलों में जो कि किसान गन्ना लेकर आते हैं इन्हें विश्वास में स्वयं किसान होने का विश्वास दिलाता है और नशीला पदार्थ इसे पिलाकर और इनके ट्रैक्टर ट्रालियों को चोरी करके अन्यत्र स्थान पर बेच देता है। अभियुक्तों से पूछताछ की गई है, विधिक कार्रवाई करके इन्हें नियमानुसार इन्हें जेल भेजा जा चुका है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।